हेलो ऑल, वेलकम टू निम्बस लर्निंग। ये है फ्यूचर की तैयारी पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है निम्बस लर्निंग के जॉब अपडेट सेक्शन में। सो डियर स्टूडेंट्स, आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सो आज का जो वीडियो है ये किसके बारे में है? गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से आपका ये नोटिफिकेशन आया है। क्या पोस्ट है, कितनी सैलरी मिलेगी, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस हियर। सो मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। चलिए आज की अगर बात करें हम यहाँ पे जो वैकेंसी है गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की है, और जैसा कि नाम से ही आपको पता लग रहा है गुजरात बेस्ड कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर वडोदरा में है। अगर मैं इसके स्केल की बात करूं तो ओवर अप्रोक्सीमेटली 13,000 इंप्लॉइज इसके अंदर काम करते हैं। तो आप यहां से देख सकते हैं कि इसका स्केल क्या है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली किसमें काम करती है, जैसा कि आपको दिख ही रहा है इसके लोगों से भी, ट्रांसमिशन नेटवर्क स्प्रेड ओवर गुजरात स्टेट ऑफ द पावर इवैक्यूएशन एंड जनरेटिंग द पावर इलेक्ट्रिसिटी। ओके, चलिए अब आते हैं पोस्ट पे हम। सो पोस्ट यहां पे जो निकली है डियर स्टूडेंट्स, जूनियर इंजीनियर की यहां पे पोस्ट निकली है। जूनियर इंजीनियर यहां पे आपका जो है सिविल में निकली है वैकेंसीज एंड इलेक्ट्रिकल में निकली है। अगर यहाँ पे हम वैकेंसीज की बात करें तो यह वैकेंसी रोल ओवर भी करी गई है, यहाँ पे वैकेंसीज आपकी रोल ओवर भी की गई है। देखो एट प्रेजेंट ये इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो वैकेंसीज हैं वो 300 वैकेंसीज हैं इलेक्ट्रिकल के अंदर और 52 वैकेंसीज है सिविल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वैकेंसीज का ब्रेकअप देखें आप कंबाइंड वैकेंसीज का, तो ये कैरी फॉरवर्ड वाली वैकेंसीज हैं और ये जो न्यू वैकेंसीज है उनका ब्रेकअप यहाँ पे दिया है कैटेगरी वाइज कंबाइंड वैकेंसीज का। सो ओवर प्रेजेंटली अगर बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 300 वैकेंसीज इन द इलेक्ट्रिकल एंड 52 वैकेंसीज इन द सिविल डिपार्टमेंट। सो बहुत ज्यादा वैकेंसीज यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं। अगर यहाँ पे और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, सो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की आपकी बीटेक होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपकी बीटेक है, बीई बीटेक है, तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका फुल टाइम रेगुलर कोर्स होना चाहिए। अगर आपका कोर्स फुल टाइम नहीं है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और एक और बात, यहाँ पे मिनिमम आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, ओके, एंड आपका फर्स्ट ट्रायल में ही एग्जाम पास होना चाहिए, कोई भी एटीकेटी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे रेड मार्क्स से ये बात बोल दी गई है, ओके। सिविल की बात करें तो बीटेक आपका बी बीटेक सिविल में है तो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज का क्राइटेरिया और एटीकेटी का क्राइटेरिया यहाँ पे सेम रहेगा। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात आपको मैं बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात बता देता हूँ क्या, कि आपको नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन, गुड कम्युनिकेशन आपका होना चाहिए इंग्लिश एंड गुजराती लैंग्वेज में। आपको बेसिकली इंग्लिश तो ठीक है, गुजराती लैंग्वेज तो आनी ही आनी चाहिए आपको, ठीक है। इंग्लिश तो ठीक है सबको आती है, मतलब यू कैन से काम जितना काम चल जाए हमारा तो उतनी हम सबको आती है, बट गुजराती लैंग्वेज जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी आपकी कमांड होनी चाहिए, ओके। चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पे एज की, तो यहाँ पे आपके अनरिजर्व कैटेगरी 35 ईयर्स है और जो भी रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 40 ईयर्स की यहाँ पे एज रखी गई है। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें यहाँ पे तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 500 रुपीज आपको देने पड़ेंगे और जो एससी एसटी कैंडिडेट हैं उनको 250 रुपीज यहाँ पे देने पड़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, सिलेक्शन प्रोसीजर पे, कि क्या सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे रहने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है। तो यहाँ पे बेसिकली आपका सीबीटी होने वाला है, ओनली कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है, बिल्कुल ऑनलाइन मोड में, कोई भी ऑफलाइन मोड आपका यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है। और आपके जो क्वेश्चन पेपर होगा, जो भी आपका पेपर होगा, 100 MCQs आएंगे आपके, 100 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, क्लियर है मेरी बात। और अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो डेफिनेटली आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। और जो क्वेश्चन पेपर है आपका ओनली एंड ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में होने वाला है, कोई बाईलैंग्वेज पेपर आपका नहीं होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा और इसको समझते हैं कि यू कैन से पैटर्न क्या रहेगा एग्जाम का। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कि आपका बेसिकली सेक्शन 1, सेक्शन 2, 3 एंड 4, 5 सेक्शन में आपका एग्जाम होने वाला है। दोनों सेम है, ठीक है, दोनों सेम है। टोटल 100 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होगी, सब कुछ मैं बता चुका हूँ। अभी 100 मार्क्स जो है कैसे डिवाइड होंगे, देखो जनरल जीके आएगी 10%, इंग्लिश आएगी 10%, इलेक्ट्रिकल मतलब सिविल का है तो सिविल का डिसिप्लिन रहेगा, इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन रहेगा। 60% बेसिकली आपका खुद के डिसिप्लिन के क्वेश्चन आएंगे, मतलब 60 क्वेश्चन आएंगे अगर 100 क्वेश्चन है तो, और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर नॉलेज के, और यहाँ पे गुजराती लैंग्वेज एंड ग्रामर भी आएगी आपकी 10% की। तो 40% का आपका नॉन टेक आएगा और 60% का आपका टेक आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है मेरी बात। चलिए अब यहाँ पे सैलरी की बात करें तो बहुत अच्छी सैलरी है। देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे 5 साल की ट्रेनिंग बेसिकली होने वाली है, 5 साल की ट्रेनिंग, मतलब प्रोबेशन पीरियड यहाँ पे मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही दे दिया गया है। तो यहाँ पे ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आपको क्या सैलरी मिलने वाली है, फर्स्ट ईयर में 37,000, सेकंड ईयर 39, थर्ड ईयर में 39 एंड फोर्थ एंड फिफ्थ,
मतलब फर्स्ट ईयर में सिर्फ 37 मिलेगी, बाद में सेकंड थर्ड एंड फोर्थ एंड फाइनल ईयर में आपको यहाँ पे 39,000 आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। आफ्टर द सक्सेसफुल योर ट्रेनिंग आप एज अ जेई वहाँ पे रिक्रूट हो जाएंगे और आपकी जो सैलरी है वो रेगुलराइज कर दी जाएगी फॉर द रुपीज ऑफ 45,400 रुपीज, आपकी सैलरी जो है वो रेगुलर हो जाएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स की हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है इंपॉर्टेंट डेट्स की। देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होने वाली है, ये जो आपका बेसिकली एग्जाम है, सॉरी जो आपका रिक्रूटमेंट है, ये 18 तारीख से शुरू हो जाएगा। 18 तारीख से GETCO की जो वेबसाइट का जो लिंक है ये एक्टिव हो जाएगा 18 तारीख को, और 18 तारीख के 21 दिन तक चलेगा, और उसके बाद में ये जो एप्लीकेशन है ये हो जाएगा क्लोज, ठीक है। सो 18 जून यहाँ से जो आपका वेबसाइट का लिंक है वो एक्टिव हो जाएगा, और उसके 21 दिन बाद तक आपकी लास्ट डेट होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की ये थी अपडेट, तो आपको अपडेट कैसी लगी, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, और कोई भी इशू है तो हमें कमेंट सेक्शन में करके बताइए, और ये अपडेट आपको कैसी लगी ये भी बताइए। सो डियर स्टूडेंट्स, अगली वीडियो का कीजिए इंतजार, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.